केस समझने के लिए केस से रिलेटेड फैमिली ट्री को जरूर देख लें ताकि आपको केस को समझने में आसानी हो। इस केस में टोटल 3 फैमिली मेंबर हैं। पहला गणेश प्रसाद, जो अपने मैटरनल ग्रैंडफादर से विलेज प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है और विल बनाता है। दूसरा गणेश प्रसाद का बेटा बिंदेश्वरी प्रसाद, और तीसरा गणेश प्रसाद की बहू ग्रीबाला, जो बिंदेश्वरी प्रसाद की बेबी होती है और बाद में विधवा हो जाती है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज आसिम फ्रॉम कैंपस ऑफ सेंट्रल फैकल्टी ऑफ लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। टुडे आई वुड लाइक डिस्कस लैंडमार्क केस ऑफ फैमिली लॉ व्हिच इज मेंशन इन आवर केस मैट। केस का नाम है मोहम्मद हुसैन खान वर्सेस बाबू कृष्ण नंदन सहाय। ये 1937 का केस है। तो अब इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में गणेश प्रसाद को अपने नाना से विलेज प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस मिलती है। उसके बाद गणेश प्रसाद एक विल बनाता है और ये कहता है कि मेरे मरने के बाद ये जो विलेज प्रॉपर्टी है वो मेरे बेटे बिंदेश्वरी प्रसाद को जाएगी, और उसके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उसकी बहू ग्रीबाला के पास चली जाएगी। बिंदेश्वरी प्रसाद के ऊपर कुछ कर्ज होता है जिसे वो चुका नहीं पाता है, तो कोर्ट जो है कोर्ट ऑक्शन में उसके विलेज प्रॉपर्टी को ही बेच देती है। तो बिंदेश्वरी प्रसाद जो है कोर्ट में सूट फाइल करता है और कहता है कि उसके विलेज प्रॉपर्टी को जो बेचा गया है वो फ्रॉड के माध्यम से बेचा गया है, जो कि वैलिड नहीं है। तो मामला कोर्ट में चलता ही रहता है कि बिंदेश्वरी प्रसाद की मौत हो जाती है। तो इस सूट को उसकी विधवा ग्रीबाला आगे बढ़ाती है और कोर्ट से कहती है कि उसके ससुर ने जो विल बनाया था जिसके माध्यम से विलेज प्रॉपर्टी को दिया गया था, उसमें ये कहा गया था कि उसके ससुर के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी बिंदेश्वरी प्रसाद को जाएगी, और बिंदेश्वरी प्रसाद के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी उसके बहू यानी कि ग्रीबाला के पास जाएगी, यानी कि मेरे पास जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी फाइनली तो मेरी थी, तो कोर्ट ऑक्शन में ये प्रॉपर्टी बिंदेश्वरी प्रसाद के नाम से कैसे बेच दी गई। तो इस केस का इशू ये है कि प्रेजेंट केस में विलेज प्रॉपर्टी किसकी है और कोर्ट ऑक्शन में जो विलेज प्रॉपर्टी को बेचा गया है वो वैलिड है या नहीं। तो अब आते हैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। कोर्ट कहती है कि वैदिक एरा से ही हिंदू सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल नेचर का है। प्रेजेंट केस में गणेश प्रसाद ने अपने नाना से जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उसके बेटे का इसमें कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अब गणेश प्रसाद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये प्रॉपर्टी किसे दे। चूँकि गणेश प्रसाद ने विल के माध्यम से ये प्रोक्लेम किया था कि उसके मरने के बाद उसकी ये जो विलेज प्रॉपर्टी है वो उसके बेटे बिंदेश्वरी प्रसाद को जाएगी, और उसके मरने के बाद यही प्रॉपर्टी उसकी विधवा ग्रीबाला को जाएगी। यानी कि प्रेजेंट केस में बिंदेश्वरी प्रसाद के पास सिर्फ लिविंग राइट था, ना कि एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि एब्सोल्यूट राइट जो है वो ग्रीबाला के पास था। इस तरह ग्रीबाला ही इस विलेज प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर है, और कोर्ट ऑक्शन में इस विलेज प्रॉपर्टी को जो बेचा गया था तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिंदेश्वरी प्रसाद का नहीं था, ये प्रॉपर्टी ग्रीबाला की थी। तो कोर्ट ऑक्शन में कोर्ट जो है बिंदेश्वरी के कर्ज को उतारने के लिए विलेज प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती। तो इस केस के फैक्ट इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।